नीदरलैंड के खिलाफ हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम 18वां वनडे शतक लगाकर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं हुआ। 85 गेंदों में 74 रन की पारी खेलकर बाबर आजम आउट हो गए, कैच आउट हुए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिए। 6 चौके और 1 छक्का जो है बाबर आजम ने अपनी इस पारी के दौरान लगाया। आपको बता दें बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है, वनडे रैंकिंग में नंबर 1, T20 रैंकिंग में नंबर 1, और क्या ही बल्लेबाज है। गजब की आज शॉट जो है इन्होंने लगाया, खेला भी और मजा आ गया इनिंग्स को देखे। हालांकि इनिंग्स अगर लंबी पारी होती तो और भी ज्यादा मजा आता हम लोगों को, लेकिन वही है कि पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी। इमामुल हक बहुत जल्दी निपट गए, लेकिन इसके बाद बाबर आजम और फखर जमान के बीच में शतकीय साझेदारी हुई। पहले फखर जमान ने 50 पूरा किया, उसके बाद जो है बाबर आजम ने भी अपना एक 50 पूरा किया, 20वां अर्धशतक लगाया और 58 रन जैसे ही बनाया। वनडे क्रिकेट में 4500 का वो जो रन था, क्रॉस बैरियर था, उसे भी क्रॉस, वो जो बैरियर था उसे भी क्रॉस कर लिया है। तो बाबर आजम ने आज भले ही शतक ना लगा हो लेकिन उनके बल्ले से, लेकिन आज के मुकाबले में उन्होंने हाशिम अमला के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा है। दरअसल में 89 वनडे पारियों में हाशिम अमला ने 4500 रन बनाए थे, लेकिन बाबर आजम ने अपने 88 इनिंग्स में ही जो है 4500 रन पूरे कर लिए। आपको बता दें हाशिम अमला के बाद, हाशिम अमला से भी पहले ये रिकॉर्ड जो है विवियन रिचर्ड्स के नाम था, उन्होंने 98 इनिंग्स में 4500 रन पूरे किए थे, लेकिन हाशिम अमला ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था और अब हाशिम अमला के उस रिकॉर्ड को किंग बाबर आजम ने तोड़ा है। तो कैसी लगी आपको ये पारी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं और हम आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप बाबर आजम के फैन है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। धन्यवाद।